So hey you awesome people, it's YGS MONU, welcome back with new video. So आज का वीडियो फिर से जनरल कोच का होने वाला है और आज ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उससे आज आपका भाई ट्रेवल करने वाला है जनरल कोच में. आपको तो पता ही है आई लाइक जनरल कोच, तो जनरल कोच से सफ़र करते हैं और आपको दिखाते हैं. और इस ट्रेन के बारे में आपको बता दूँ, ये ट्रेन जयनगर से खुलती है न्यू दिल्ली के लिए और जयनगर में इसका टाइम है दोपहर के 2 बजे और न्यू दिल्ली में ये पहुंचाएगी ट्रेन आपको 12:30 और टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है 1235 किलोमीटर का ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है और समय लगता है 22.5 घंटा. ये गाड़ी 22.5 घंटे में आपको न्यू दिल्ली पहुंचा देगी. तो चलिए, ऐसी सूचना मिली है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, तो भाई चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3. मधुबनी स्टेशन पे इस ट्रेन का टाइमिंग है 2:25 और लगभग समय हो चुका है. और आप देख सकते हैं भीड़, देखिए भीड़, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, बस ट्रेन आने ही वाली है. लेकिन हमें तो जाना होगा जनरल कोच में, इधर सारे लोग स्लीपर वाले हैं. चलिए, और हाँ, इस ट्रेन के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेन जयनगर से खुलती है, जयनगर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल होते हुए ये ट्रेन आपको न्यू दिल्ली 12:30 बजे पहुंचाएगी. मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ. इस ट्रेन का 25 मिनट का स्टॉप समस्तीपुर जंक्शन पे है, उसके बाद सेकेंड सबसे बड़ा स्टॉप आपको मिलेगा छपरा 10 मिनट, और उसके बाद वाराणसी 10 मिनट और इलाहाबाद 10 मिनट फिर से. भीड़ देख ले भाई, और अभी टेम्परेचर भी लगभग 42 डिग्री सेल्सियस है. दोपहर के 2 बजे आप समझ सकते हैं टेम्परेचर कितना होगा भाई. इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. A few moments later, अपनी ट्रेन आ चुकी है. आप देखिए, वो सामने रहा ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट, और आप देखिए पब्लिक को देखिए किस तरह पैसेंजर लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का. देखते हैं जगह मिलता है या नहीं. मैं तो पूरा कोशिश करूंगा जनरल कोच के को देने का, पर देखते हैं आगे क्या होता है. देखिए देखिए किस तरह लोग चढ़ रहे हैं, गाड़ी रुकी नहीं है लोग चढ़ने के लिए. हो गया, जाइए. आ गए हैं जनरल कोच में, आ गए हैं किसी भी तरह. और अपोजिट साइड से आए, इसके लिए सॉरी. उधर इतना भीड़ था कि मुझसे संभव नहीं था. भीड़ मैं आपको दिखा दूँ, भीड़ देखिए. और जयनगर के बाद ये पहला स्टॉप है, तब ये हाल है मधुबनी में. आगे जाके क्या हाल होने वाला है इस ट्रेन का, आप ही बताइए. बच्चा सुबह देखिए 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 किस तरह लोग जा रहे हैं. निकल जाओ.
सो फ्रेंड, फाइनली अपनी ट्रेन खुल चुकी है मधुबनी से, और बॉगी का हाल मैंने आपको दिखाया, और आगे मैं एक बार और टूर करवाना चाहूँगा बॉगी का। देखिए भैया उतर रहे हैं चलती गाड़ी में, जो कि गलत है, सरासर गलत है, फिर भी लेकिन कौन समझाए इन लोगों को। अंदर का हाल देखो। हाँ अभी पैसेंजर लोग चढ़ेंगे जनरल में, भीड़ बढ़ते ही जाएगा। उतरने दीजिए, उतरिए उतरिए, आराम से उतरिए, आराम से उतरिए, उतरिए आराम से उतरिए, उतरिए 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 उतरिए, रुकिए उतरने दीजिए पहले, उतरिए। हाँ उतरिए ना, आप उतरिए, उतरिए, आप रुकिए रुकिए, आप चलिए, हाँ चलिए, आओ आप पीछे जाइए ना, पीछे जाइए। चलिए चलिए, सकरी जंक्शन में जनरल कोच का मैं अब हाल दिखाता हूँ। सो सकरी जंक्शन से ट्रेन खुल चुकी है और अगला स्टॉप होगा दरभंगा, वहाँ ट्रेन रुकती है, फिर उसके बाद क्या कंडीशन होता है बॉगी का वो मैं आपको दिखाऊंगा।
सो राइट नाउ वी रीच दरभंगा जंक्शन। भीड़ देखिए, भीड़ कितना है। रुकिए रुकिए, उतरने दीजिए, रुकिए आप लोग, उतरने दीजिए, लेडीज लोग है, उतरने दीजिए। हाँ उतरिए भाई, चलो भाई, चलो ठीक से भाई, अरे आराम से एक कर क्या ना, एक करके भाई, एक एक करके जाओ, एक एक करके, अरे आराम से आओ, बैग आगे टांग लो ना यार, कर लो डांडा, हाँ जनरल में सफर करके बैग पीछे टांग दे, बताओ आगे टांग जाओ जाओ एक एक करके आइए, एक एक करके आइए, ऐसे में कोई नहीं चार पाइएगा। क्यों बना रहे हो सर ये? अपना ब्लॉग चैनल है, करना चाहिए, चल रहा है, चल दे ना भाई, इतने देर से भाई तू सब तो चल ही रहा, चल दुनिया चल, अरे एक एक करके निकलिए ना, चल चल आगे बढ़िए, बैग को सर पे रखिए ना, उधर थोड़ा जगह आगे चलना, बढ़िया हो, धीरे धीरे बढ़िए, सुप्रीत सड़क सही ना, बढ़ेगा धीरे धीरे, कहाँ जाना है, स्लीपर में नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, स्लीपर में हाँ मिल रहा है सर, कब से नहीं बढ़ी है ट्रेन बिहार से दिल्ली के लिए, बताइए पूरा है यहाँ, ट्रेन सब ट्रेन का एक भी ट्रेन ही नहीं बढ़ी है बिहार के लिए, पता नहीं हम लोग से पहले होने से पहले बढ़ी है, दस साल से कोई ट्रेन एक ही सो फ्रेंड हमने सोचा था कि इस बॉगी का, इस कोच का, जनरल कोच का मैं एक शॉर्ट टूर दूंगा, लेकिन अब संभव नहीं है, दूसरे ट्रेन में तो मैंने दिखा दिया, लेकिन इस ट्रेन में संभव नहीं है भाई, अब देख ले खुद, ये देखिए क्या हाल है इसमें, मैं आपको बताइए अब कैसे शॉर्ट टूर करवाऊँ, इसमें सकने का भी जगह नहीं, पैर रखने का भी जगह नहीं है, क्या करें आप ही बताइए, भेड़ बकरी की तरह, नहीं तो आपको मैं जाके अंदर का हाल दिखा सकता था, लेकिन मुश्किल है, अभी तक जितना भी मैं जनरल कोच में कवर किया हूँ सबसे हार्ड भाई लगा जाए स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट, इसमें जनरल में सफर करना दिल्ली तक, समझ जाइए अंडे का जो बनता है ना ऑमलेट, 40 डिग्री टेम्परेचर में ऑमलेट बन जाएगा इंसान। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको यहाँ के बाथरूम का हाल दिखाता हूँ, आइए आइए, ये है बाथरूम का हाल, बाथरूम में लोग हैं, क्या नाम हुआ भाई, कहाँ जाना है, नई दिल्ली, और दिल्ली तक जाना है, तब जगह नहीं मिला ना, नहीं। इसी तरह बाथरूम में ही जाओगे, अब देखिए लोग किस तरह बैठे हुए हैं, लेडीज है, बच्ची है,
ये हाल है स्वतंत्रता सेनानी का, जनरल कोच का। हटिए हटिए, तो बेसिन का हाल देखिए, सब पान खा दे रहा है, तूफान की तरह है। पान खा खा के सब इसमें फेंक देते हैं, साफ नहीं होता है, देखिए क्या हाल हो गया। जबकि अभी ट्रेन खुली है, जयनगर से चली है, तीन स्टॉप के बाद ये हाल है। आगे क्या होगा, दिल्ली तक जाते जाते पता नहीं पानी रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी मुझे नहीं लगता पानी रहने वाला है। Minutes later. तो भाई देखिए कितने निश्चिंत से सोए हुए हैं, अब वो भी गेट पे, कान में LED लगा के गेट पे सोए हुए हैं। सोइए नहीं, नींद लग जाएगा, गिर जाइएगा। हाँ पैर उठा लीजिएगा, इतना आदमी का पैर कट जाता है इसमें। समस्तीपुर जंक्शन, और इस ब्लॉग की यही लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कुछ नई चीज के साथ। लेकिन उससे पहले इफ यू लाइक माय वीडियो हिट द लाइक बटन। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कंटिन्यू लगातार जनरल कोच में ब्लॉग देना, ब्लॉग ब्लॉग देना संभव नहीं है। वैसे हम ब्लॉग ही बोलते हैं लेकिन आप लोग को ब्लॉग लगता है भाई। लगातार जनरल कोच में इस तरह का ब्लॉग देना संभव नहीं है, लेकिन मैं लगातार दे रहा हूँ। और इसी तरह हर एक ट्रेन, जितना भी ट्रेन है, सबके जनरल कोच में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथ शेयर करें। और हाँ, कई लोग बोल रहे हैं भाई दिल्ली तक जाओ, दिल्ली तक जाओ। मान के चलिए अगर आपका भाई दिल्ली तक किसी ट्रेन से गया तो क्या हाल होगा, 10 दिन तक बीमार हो जाएंगे। सबसे पहली बात, इतनी गर्मी में इस ट्रेन में जाने के बाद 10 दिन तक बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के बाद फिर वीडियो आएगा नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बीमार पड़ूँ, आप लोग को भी कंटिन्यू लगातार ब्लॉग देते रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए चीज़ों के साथ, कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा। आपको पता है आपका भाई अलग करने के लिए जाना जाता है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।